हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टूडेंट गो। इस चैनल पर आपको 9th से लेकर के 12th तक के सभी स्टडी वीडियोस मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट गो। स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं संस्कृत के चौथे चैप्टर की हिंदी, जिसका नाम है हिमालय। और ये संस्कृत का चौथा चैप्टर है। ये वीडियो खासकर क्लास 11th यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला अवतरण दिया गया है। निम्नलिखित पद अवतरणों का सहसंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। सबसे पहला अवतरण दिया गया है भारत देशस्य .. तिष्ठति। यहाँ पर अब हम देखते हैं संस्कृत के कुछ शब्दार्थ जो इस अवतरण से संबंधित होंगे। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है नामना भिधीयते, इसका मतलब है नाम से पुकारा जाता है। उन्नतानी का मतलब है ऊंची, आच्छादितानी का मतलब है ढकी हुई, हिमगिरीरित्यापी का मतलब है हिमगिरी भी, प्रवृतिनी का मतलब है इत्यादि, उन्नतमानी का मतलब है सबसे ऊंचे, अधिक्य कायाम का मतलब है ऊपर की समतल भूमि पर। फिर है त्रिविष्टम नेपाल भूतान देशः। त्रिविष्टम का मतलब है तिब्बत, नेपाल का मतलब है नेपाल और भूतान देशः का मतलब है भूटान देश। प्रांतरे का मतलब है अंतर्वर्ती भूभाग में। तो ये है इसके शब्दार्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका संदर्भ। यहाँ पर दिया गया है इसका संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के हिमालय नामक पाठ से उद्धृत है। चैप्टर का नाम दिया गया है हिमालय और बुक का नाम दिया गया है संस्कृत दिग्दर्शिका। अब दिया गया है इसका अनुवाद, यानी कि अब हम जानेंगे इस अवतरण का हिंदी अनुवाद। भारत देश की अत्यंत विस्तृत उत्तर दिशा में विद्वान पर्वत को लोग पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारते हैं। यानी कि भारत देश में उत्तर की दिशा में जो हिमालय पर्वत स्थित है उसको लोग पर्वतराज हिमालय कहकर भी पुकारते हैं। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सारे पर्वतों को जीतती है। यानी कि इस पर्वत की जो चोटी है, यानी कि जो लंबाई है, वो इतनी ज्यादा है कि वो सभी पर्वतों से ज्यादा है। इसी कारण लोग इसे पर्वतों का राजा कहते हैं, यानी कि पर्वतों का मेन कहते हैं इसको, ये पर्वतों का राजा है। इसकी ऊंची चोटियां सदा बर्फ से ढकी रहती है, यानी कि वहां पे हमेशा बर्फ पड़ती है, इसलिए यह हिमालय। हिमालय शब्द का यहाँ पर अर्थ बताया है हिम प्लस आलय, जिसका मतलब है बर्फ का घर, या फिर हिमगिरी। हिमगिरी का अर्थ दिया गया है हिम प्लस गिरी, जिसका मतलब है बर्फ का पहाड़। और इन सभी नामों से वो प्रसिद्ध है, यानी कि बर्फ का घर और बर्फ का पहाड़ भी उसे कहते हैं। इसके एवरेस्ट गौरी शंकर जैसे शिखर संसार में सबसे ऊंचे हैं, यानी कि यहाँ पर उनके शिखर के नाम बताए गए हैं एवरेस्ट गौरी शंकर। ये सारे जितने भी शिखर हैं ये सब संसार में सबसे ऊंचे शिखर हैं। इसके ऊपरी समतल भाग में पठार पर तिब्बत नेपाल भूटान पूर्व सत्ता संपन्न देश है। यानी कि इसके समतल भाग में कौन कौन से देश हैं, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है और पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं, और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर जैसे भारतीय प्रदेश हैं। यहाँ तक तो थे देश के नाम और यहाँ पर हैं भारतीय राज्य के नाम। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर ये सब भारतीय राज्य हैं, ये सब भी उस प्रदेश में स्थित हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग गढ़वाल, कुमाऊं आदि भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में श्रेणियों के मध्य स्थित है। यानी कि भारत के उत्तर में जो पर्वतीय भाग है, जिसे गढ़वाल या फिर कुमाऊं के नाम से जानते हैं, उनका भूभाग श्रेणी भी पहाड़ों के बीच में ही स्थित है। अब दिया गया है यहाँ पर दूसरा अवतरण, अयम .. कुर्वंती। इसका शब्दार्थ दिया गया है उत्तरी सीमिन का मतलब है उत्तर सीमा पर, प्रहरीव का मतलब है पहरेदार के समान, यानी कि ये जो पहाड़ हैं उत्तरी सीमा पर ये हमारी रक्षा करते हैं बाहरी आक्रमण से। सतत का मतलब है, सत्तम का मतलब है सदा यानी कि हमेशा, समुद्गम्य का मतलब है निकलकर, स्वकीय का मतलब है अपने, तीर्थोदके का मतलब है तीर्थों के जल से अर्थात पवित्र जल से, पुनंती का मतलब है पवित्र करती है, शस्य श्यामलम का मतलब है अन्न से हरी भरी।
इसका संदर्भ हमें वही पहले वाला लिखना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब देखते हैं इसका अनुवाद। यह पर्वतराज, पर्वतराज का अर्थ यहाँ पर दिया गया है पर्वतों का राजा, यानी कि हिमालय को पर्वतों का राजा कहा गया है। भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी के सदृश शत्रुओं से निरंतर उसकी रक्षा करता है, यानी कि एक पहरेदार की तरह भारत की रक्षा करता है शत्रुओं से। हिमालय से ही गणंग, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियां तथा सतद्रु, सतलज, विपाशा, व्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, गंडक, नारायणी, कौशकी, कौसी जैसी नदियां भारत की समस्त उत्तरी भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती है अपितु इसे धन धान्य से संपन्न हरा भरा भी करती है। यानी कि यहाँ पर जितने भी नदियों के नाम बताए गए हैं ये सब हिमालय से ही निकल कर आती है। और आप देखिए यहाँ जो ब्रैकेट में नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है सतद्रु और इसके ब्रैकेट में लिखा गया है सतलज, तो ये नदियों का यहाँ पुराना नाम है, अब इसे सतलज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर नदियों के जितने भी नाम है वो सब नाम यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि सतद्रु, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशकी, ये सारी भारत की नदियाँ हिमालय से ही निकल कर आती है और ये अपने जल से सिर्फ पवित्र ही नहीं करती बल्कि धन धान्य से संपन्न हरा भरा भी करती है, यानी कि इनके जल से खेतियां भी की जाती हैं और पृथ्वी हरी भरी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला अवतरण। अगला अवतरण दिया गया है अश्वपत्ते काशु डॉट 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 परवर्तियति। इसके शब्दार्थ दिए हैं अश्वपत्ते काशु का मतलब है इसकी घाटियों तलहटी में, वन राज्य का मतलब है वन समूह, वनस्पते स्तर वश्च का मतलब है वनस्पतियां और वृक्ष, आम्य भयो का मतलब है रोगों से, त्रवश्च का मतलब है और वृक्ष, आसंदाह दी गृणोहपकरणा निर्माणार्थम इसका मतलब है कुर्सी आदि घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए, यानी कि लकड़ियों का यूज करते हैं इन चीजों के बनाने में। वर्षतों का मतलब है वर्षा ऋतु में अवरुद्ध यानी कि रोक कर। संदर्भ हमें पहले वाला लिखना है, अनुवाद में दिया गया है इसकी तलहटी में विशाल वन समूह सुशोभित है, यानी कि जो इसकी तलहटी है वहां पर वन समूह है, वन समूह यानी कि वहां पर वृक्ष लगे हुए हैं इसीलिए वन समूह कहा गया है, जहां अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, वनस्पति और वृक्ष हैं, यानी कि वन में जड़ी बूटियां भी है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं और पेड़ पौधे हैं। ये जड़ी बूटियां लोगों के रोगों से रक्षा करती है और वृक्ष कुर्सी आदि घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो पेड़ है उनकी लकड़ी का यूज लकड़ी के सामान बनाने के लिए करते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि हिमालय इतना ज्यादा ऊंचा है कि दक्षिणी समुद्र से जो भी बादल उठते हैं, यानी कि पानी भर करके जो भी बादल उठते हैं उन्हें भारत में बरसने के लिए प्रेरित करता है। अब देखते हैं अगला चौथा अवतरण, अश्वपत्तिकायाम डॉट 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 अभिधीयते। शब्दार्थ दिए गए हैं इसके स्वकियाभि यानी कि अपनी, सुषमाभि का मतलब है सुंदरता से, संज्ञा का मतलब है नाम से, अभिहितो भवति यानी कि पुकारा जाता है, पूर्वश्याम का मतलब है और उससे पूर्व दिशा में, ग्रीष्मतो का मतलब है ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के मौसम में, बलादिव बलपूर्वक सा, एभ्योअपि का मतलब है इनके भी, भागे अवस्थिता का मतलब है भाग में स्थित, कामरूपतया का मतलब है इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण, और कामरूप का मतलब है असम का एक जिला जहां कामाख्या देवी का मंदिर है। अब इस देखते हैं हम इसका अनुवाद। अनुवाद में दिया है इसकी तलहटी घाटी में स्थित कश्मीर प्रदेश अपनी शोभा के कारण संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि भारत में जो कश्मीर प्रदेश है उसको पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हैं और ये हिमालय की तलहटी में ही स्थित है और उससे पूर्व दिशा में स्थित यानी कि कश्मीर के पूर्व दिशा में। किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि देवताओं का निवास स्थान नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि जो किन्नर देश था वो पुराने समय में देवताओं का निवास स्थान कहा जाता था। आज भी कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसका मन नहीं हरता, यानी कि जो कुल्लू घाटी है उसकी सुंदरता बहुत ही अधिक है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे नगर ग्रीष्म ऋतु में देश के धनी लोगों को घूमने के लिए बलपूर्वक अपनी ओर खींचती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो नगर के नाम दिए गए हैं, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ये सारे ठंडे प्रदेश के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जो घूमने वाले लोग आते हैं गर्मी के समय में वो इन्हीं ठंडे शहरों में रुकते हैं
और ठंडे शहरों में रुकने का अलग ही मजा होता है गर्मियों के मौसम में। अर्थात देश के धनवान लोग इसके सौंदर्य पर आकर्षित होकर ही यहाँ घूमने के लिए आते हैं, यानी कि अलग अलग देश से भी लोग सिर्फ इन जगहों पर घूमने के लिए आते हैं गर्मी के मौसम में। इनसे और भी पूर्व में स्थित सर्वाधिक सुंदर प्रदेश अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप नाम से पुकारा जाता है, यानी कि इसके पूर्व में और भी कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जो कि अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करते हैं, यानी कि जब जैसा मौसम होता है उस मौसम के अनुसार वो भी बदलते रहते हैं, तो इसीलिए उन प्रदेशों को कामरूप भी कहते हैं। कामरूप का मतलब यहाँ पर बता दिया है असम का एक जिला जहाँ कामाख्या देवी का मंदिर है, या फिर ये भी समझ सकते हैं हम इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण। अब यहाँ विशेष में दिया गया है असम का कामरूप जिला प्राचीन काल से ही अपने जादू टोने के लिए प्रसिद्ध रहा है, यानी कि असम में जो कामरूप जिला है वो जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है, मैजिक के लिए फेमस है। लोगों का विश्वास था कि वहाँ के तंत्र मंत्र विशेषज्ञ किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप भेड़ बकरी आदि में बदल सकते हैं, यानी कि इंसान को जानवर में वो लोग ब्लैक मैजिक से बदल देते हैं, यानी कि इसीलिए इसका नाम कामरूप पड़ा। अब देखते हैं अगला अवतरण। अगला अवतरण दिया गया है पांचवा, अशेव कंद्रासु पर्वतराज इतनी। इसके शब्दार्थ दिए गए हैं अशेव, अशेव का मतलब है इसकी ही, कंद्रासु यानी कि गुफाओं में, तपस्यंता का मतलब है तप करते हुए, सिद्धि मतवम का मतलब है सिद्धि मता, विलोकेव का मतलब है देखकर ही, उपहरे का मतलब है गुफा में या फिर किसी एकांत स्थान में अकेलेपन में, गिरी नाम का मतलब है पर्वतों की, धिया का मतलब है बुद्धि से, विप्रो अजायत का मतलब है ब्राह्मण हुआ था, प्रदातुह का मतलब है प्रदान करने वाले, पर्वतराजोयम का मतलब है यह पर्वतराज, सर्वोषधि भीमा का मतलब है सभी औषधियों से, औषधियाँ यानी कि मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, सर्व सिद्धि प्रदातृत्या का मतलब है समस्त सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, सुतराम यानी कि अत्यंत, समादृत का मतलब है सम्मानित। आप देखते हैं इसका अनुवाद। अनुवाद दिया गया है, इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, इसकी सिद्धि देने की क्षमता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम पर ब्राह्मणों ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक साधकों ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया। पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियां देने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर माना जाता है, यानी कि ये जो हिमालय पर्वत है यहाँ पर जो भी साधु संत तप करते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है, जो भी वो मांगते हैं उन्हें वो मिलता है, और जो शिव भगवान है उनका भी स्थान कैलाश शिखर पर ही बताया जाता है, यानी कि हिमालय के प्रदेश में ही ये सारे तीर्थ स्थल स्थित हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थल हैं। इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक पालक समस्त औषधियों का रक्षक तथा सभी सिद्धियों का प्रदाता होने से भारतवासियों में पर्वतराज पर्वतों का राजा के नाम से अति आदर को प्राप्त है, यानी कि ये जो पर्वतराज है हिमालय ये हमारे शत्रुओं से रक्षा करता है, पालक समस्त औषधियों का संरक्षक तथा सभी सिद्धियों का प्रदाता होने से भारतवासियों में पर्वतराज यानी कि पर्वतों का राजा नाम से पुकारते हैं, यानी कि यहाँ के जो वन है उनमें औषधियाँ भी मिल जाती है अलग अलग प्रकार की मेडिसिन दवाइयाँ बनाने के लिए, तथा सभी सिद्धियों का प्रदाता। सिद्धियों का प्रदाता का मतलब है यहाँ पर जो भी ब्राह्मण साधु संत तप करते हैं उनको सिद्धियाँ मिलती हैं, उनका वरदान पूरा होता है। तो ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण अवतरणों का हिंदी अनुवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे इस पाठ के सूक्तियों का हिंदी अनुवाद। थैंक यू, धन्यवाद।